विषया सत्ता कषाय संयुक्ता आदिशः विसुत्ता तेषाहोषम् परिचत्ता देहादिष्वनुरत्तो विषया सत्ता कषाय संयुक्ता आदिशः विसुत्ता तेषाहोषम् परिचत्ता। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि साधु की पहचान बताई जा रही है। देहादुषु अनुरत्तो, जो अपने शरीर आदि में आसक्त हैं। अब चूंकि सम्यक दृष्टि श्रावक हो या साधु हो, मिथ्या दृष्टि और अभ्रे सम्यक दृष्टि में अंतर तो होता है। श्रावक भी जैसे असंयमी अज्ञानी शरीर के प्रति आसक्त रहता है, वैसा सम्मी दृष्टि शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता। वो शरीर को शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधन का आद्य कारण है, इसके बिना साधना नहीं हो सकती है। तो जैसा कि आचार्य वीरनंदी महाराज जी ने आचार सार में कहा है कि जैसे कोई लकड़हारा लकड़ियों को काटता है, लाता है, यद्यपि जलाने के लिए लाता है, लेकिन जंगल से घर तक तो सिर पर ही रख कर के लाता है। जिन लकड़ियों को जलाया जाना है, उन लकड़ियों को सिर पर रख कर लाता है जंगल से घर तक। ठीक उसी प्रकार से साधक भी इस शरीर की रक्षा करते हैं। इस शरीर को जैसे कर्मचारी के लिए वेतन दिया जाता है, वैसे इस शरीर के लिए भी वेतन के स्थान अपन भोजन सुख सुविधा इत्यादि दी जाती है, देनी चाहिए। पड़ोसी काम में आता है, कर्मचारी काम में आता है, उसके लिए दिया जाता है। गाड़ी में पेट्रोल भी दिया जाता, भरा जाता है, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती है। तो शरीर की सुरक्षा धर्म ध्यान के लिए करना पाप नहीं है। शरीर का पोषण इसलिए करना भोगों के लिए, शरीर सुंदर दिखेगा, गोल मटोल चिकना चुपड़ा दिखेगा तो लोग ज़्यादा सम्मान करेंगे, ज़्यादा आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे, तो ये उद्देश्य बदल गया। यदि उसी शरीर को इसलिए स्वस्थ रखा जाता है कि इसके माध्यम से धर्म ध्यान होता है, तपस्या इसी से होती है, कर्मों की नजरा भी इसी के माध्यम से करनी है, और इसी औदारिक शरीर के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। यदि इसे बरयोग अनुकूल बराबर आहार पान नहीं दिया जाएगा तो यह समय में रोगाक्रांत होकर के, रोगों से ग्रस्त होकर के नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो स्वर्ग में असंयमित दशा है। स्वर्ग में संयम का पालन नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम इस शरीर से संयम का पालन करके कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, और वहाँ पहुँच गए स्वर्ग में तो फिर वहाँ संयम का पालन नहीं हो सकता, बल्कि असंयम के माध्यम से उल्टे कर्मों का बंद होगा, जिससे इससे लंबे समय तक हम कर्मों की निजरा कर सकें, धर्म साधन कर सकें, धर्म की प्रभावना कर सकें। इस उद्देश्य से यदि इसको योग्य वेतन के स्थानापन्न भोजन इत्यादि दिया जाता है तो वो अपराध नहीं है, वो दोष नहीं है। उस निमित्त से शरीर की सुरक्षा करने से मिथ्या दृष्टि नहीं जाना माना जाएगा। आप इसे अच्छी तरह समझें, क्योंकि प्रवचन सार में आचार्य कुनकुन महाराज ने उपेक्षा संयम, अप्रत संयम, दो तरह के संयम बताए। मतलब उत्कृष्ट मार्ग का आचरण करना उपेक्षा संयम है, और मध्य में जघन्य मार्ग का अनुसरण करना ही अप्रत संयम है, जिसे उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग भी कहते हैं। उत्सर्ग मार्ग में शरीर का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे शुकोसल स्वामी को शालिनी खा रही है,
वो अपने ध्यान में लेना, कोई प्रतिकार नहीं करना, है ना। सकौशल स्वामी को व्याघ्री खा रही है, कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है, ये उपेक्षा संयम कहलाता है। और अपरत संयम में उस उपसर्ग को दूर करके शरीर की सुरक्षा करते हुए कि इससे हमें और निजरा करनी है, धर्म ज्ञान करना है, धर्म की प्रभावना करनी है, तो उसकी सुरक्षा की जाती है। तो जैसा द्रव्य क्षेत्र काल हो वैसा साधना करनी चाहिए। मान लो विहार करके आए हैं तब उस समय उत्कृष्ट समय की नहीं हो सकती, तो जघन्य समय कर लो, उस समय विशेष रस परित्याग नहीं हो सकता है। तो ठीक है, जितना शरीर के लिए औषधि के समान चाहिए आवश्यक है वो दे दो, ये दिया जाता है। आपको नहीं विहार भी करेंगे और हम उत्कृष्ट साधना करेंगे, रसों का परित्याग या उपवास करके विहार करेंगे, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा, जो धर्म ध्यान हो रहा था वो और नहीं हो पाएगा, और फिर स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अवश्य दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो ये आपने ठीक नहीं किया। अवक्ष दवाइयाँ ना खाना पड़े, पराश्रित ना होना पड़े, धर्म ध्यान जो चल रहा है वो कम ना हो, ऐसे त्याग करना है। ये क्षेत्र गर्म क्षेत्र है, ये ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पर भोजन शरीर को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है, यहाँ पर शरीर को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, यहाँ पर शरीर के लिए पौष्टिक चीज़ की आवश्यकता है, वैसा देख करके साधना की जाती है, यही आचार्यों का उपदेश है। उत्सर्ग मार्ग में नहीं, अपवाद मार्ग में। उत्सर्ग मार्ग में तो श्रेष्ठ चर्या अपनाई जाती है, शरीर का कुछ भी हो, यदि उत्तम संगठन हो या उसी भाव से मोक्ष मिल रहा हो तो आप ध्यान नहीं दो शरीर का, हो जाए ना उसका निपात, सुकौलसा स्वामी की तरह, सुकुमार स्वामी की तरह, पांडवों की तरह हो जाने दो, कोई घटा नहीं है, लेकिन मोक्ष तो हो नहीं रहा। और शरीर और समय में बीमार हो गया तो असमय जो धर्म ध्यान हो रहा था वो भी कम हो गया, और अवक्ष दवाइयाँ या दवाई चालू हो गई, या फिर असमय में शरीर नष्ट होकर के आप स्वर्ग में चले गए, असंयम दशा में पहुंच गए, यहाँ संयम था वहाँ असंयम दशा में पहुंच गए, तो यहाँ जितनी नजरा हो रही थी वो और उल्टा बंद होने लगा असंयम से, तो ये ठीक नहीं है। मोक्ष हो रहा है, उत्तम संगन है, समता है, ज्ञायिक भाव है, शुद्धोपयोग है, शुक्ल ध्यान है, तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दो शरीर का, हो जाने दो जल्दी से जल्दी निपात, जितने जल्दी हो जाए कर्मों की नजरा उतनी जल्दी मोक्ष हो जाएगा, अच्छा है। एक मोक्ष तो होना नहीं है, या तो अस्वस्थ हो जाना है, तो जितना धर्म ध्यान हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, उल्टे पराश्रित हो जाएंगे, उल्टी दवाइयाँ चालू हो जाएंगी, अथवा असमय में स्वर्ग में पहुँच जाएंगे तो वहाँ से ही हम दशा में पहुँच जाएंगे। तो इस वजह से फिर उस शरीर का ध्यान रखते हुए उससे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की प्रभावना की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों की नजरा की जा सके, वैसा उस शरीर को स्वस्थ रखा जाता है। उसमें मिथ्या तो दशा नहीं है, यानी कि देहादिशु अनुरत्तो, संयम का पालन तो कर नहीं रहे, तपस्या तो कर नहीं रहे, कोई परोपकार तो कर नहीं रहे, और शरीर को पुष्ट करने में लगे, चिकना चोपड़ा देखने के लिए, गोलमटोल देखने के लिए, या भोग भोगने के लिए, तो जो शरीर में सुख में आ सकता है वो आत्मा को धोखा देता है। लिख लो, जो शरीर सुख में आ सकता है वो आत्मा को धोखा देता है, आत्मा का पतन करता है, आत्मा का घात करता है, ऐसा ये अनिकांत कहलाता है। कि किस विवक्षा से शरीर की सुरक्षा करना है, स्वस्थ रखना है, और किस विवक्षा से शरीर का ध्यान नहीं देना है, दोनों बातें। एकांत किसी विषय में होता नहीं। अब आप कहो नहीं तो देखने लग जाओ साधु, अरे ये शरीर की सुरक्षा तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा ना रहण सार में कि देहादिशु अनुरक्तो, जो शरीर सुख में आ सकते हैं, अनुरक्त हैं, भी मिथ्या दृष्टि है, तो आप देखने लग जाओ सुरक्षा तो नहीं कर रही है शरीर की, शरीर को भोजन तो नहीं दे रहे पौष्टिक दे रहे, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है, ऐसा नहीं। विवक्षा समझना होगी, परिस्थिति मनस्थिति को समझना होगा, उद्देश्य को समझना होगा, लक्ष्य क्या है। दोस्तों हमेशा हमेशा अपने देखना है। आचार्य बालदीप सिंह महाराज जी ने लिखा है छत चूरामणि में, अन्य दिए मेवात्मीयम अपि दोषम प्रपश्यता कह समा खलु मुक्तोयम युक्ता कायेन चेदपि।
जैसे ये संसारी प्राणी दूसरों के दोषों को देखता है, वैसे यदि अपने दोषों को देखने लग जाए तो वो कहते हैं शरीर सहित होते हुए मुक्त के समान है। कौन? जिसने दोषों को दोष जान लिया है, दोषों को दोष मान लिया है, दोषों को निकालने के लिए दोषों का स्वयं के दोषों का अन्वेषण कर रहा है, वो शरीर से सहित होते हुए भी मुक्त के समान है। उस विषय में तो श्रावक को क्या करना, तो उसके लिए साधु की व्यवस्था अलग है। साधु अपनी परिस्थिति मनस्थिति को देख करके, उम्र को देख करके, मेहनत को देख करके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके काम साधना करेंगे, तब त्याग करेंगे। कभी नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, जितना आवश्यक है वैसा। श्रावक को तो हमेशा हमेशा सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है दोनों चीज़ें। जिसको इंग्लिश में बोलते सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये होना अपने लिए श्रावक को। और साधु के लिए, साधु के विषय में तो उसे दूसरे धर्मात्माओं से भी बराबर वात्सल्य रखना है। शास्त्रों में लिखा है, हरिवंश पुराण हो चाहे सम्मित कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में लिखा है, जो साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं रखता है वो झूठ मूठ का धर्मात्मा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है। तन मन धन से साधर्मियों को सहयोग करना, वात्सल्य रखना, दोष नहीं देख करके घृणा ईर्ष्या नफरत बैर विरोध नहीं करना है, निंदा नहीं करनी है, दूर नहीं रहना, गुण देख करके सहयोग करना है। प्राय आज हो क्या रहा है, लोगों को गुण तो दिखाई देते ही नहीं, दोष ही दोष देखते हैं। और जब वो दोषों को देखते हैं तो फिर उनके अंदर में घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष बैर विरोध निंदा आदि के भाव आते हैं, और वात्सल्य इत्यादि जो सम्मी दर्शन के 8 गुण हैं भी गौण हो जाते हैं। तो उसको तो यही ध्यान देना है कि ये साधु हैं और हम श्रावक हैं। और तपस्वी साधु के पास, ध्यान से सुन लो, तपस्वी साधु के पास जो शक्ति द्वितीय कांति कार्य कर सिद्धि करने की क्षमता होती है, वो क्षमता इंद्र के पास भी नहीं होती है। तपस्वी साधु के पास जो शक्ति कांति द्वितीय इत्यादि कार्य करने की सिद्धि करने सिद्ध करने की क्षमता है, वो शक्ति इंद्र के पास भी नहीं है। इसलिए कहते हैं यदि साधु किसी को कोई आदेश दे दे, निर्देश संकेत दे दे, काम बता दे, तो उसे ऐसा समझना चाहिए हम भाग्यवान हैं जिन्हें मुनि लोग, मुनिवर गुरुदेव आज्ञा देते हैं, कोई काम बताते हैं। ऐसा नहीं अरे क्या काम बता दिया कि मैं बिगाड़, ये बिगाड़ नहीं है, ये अहोभाग्य है, मुझे लायक समझा, योग्य समझा, समर्थ समझा और मुझे आदेश दिया है, निर्देश दिया है, संकेत दिया है, कुछ काम करने का है, कुछ वस्तु मंगाई है, मैं भाग्यवान हूँ, ऐसा मानना चाहिए। उसे ये नहीं देखना कि क्या है, नहीं मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है, उसको करते हुए। वस्तुतः जो साधुओं के हित हित का विचार करता है, इन किसे महाराज को अनुकूलता रहेगी धर्म ध्यान में, कैसे अनुकूल, कैसे इनको धर्म ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कैसे ये कोई पीड़ा नहीं ठंडी की, गर्मी की, बरसात की, मच्छर इत्यादि की तो नहीं हो जाएगी, मन से भी यदि वो भले के बारे में सोचता है साधुओं की, तो ये मानसिक विनय है और उस पुरुष के नियम से मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्या लिखा शास्त्रों में, साधुओं के हित के बारे में विचार करने वाले व्यक्ति, महाराज को कि कष्ट तो ना हो जाएगा, प्रतिकूलता तो ना हो जाएगी, धर्म ध्यान में बाधा तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कैसे इनकी अनुकूलता बनी रहे धर्म ध्यान की, ऐसा मन से भी विचार करता है तो ये मानसिक विनय है और ये मुक्ति को देने वाली है। अब जो साधु पद को धारण करने के बाद भी, मुनि अवस्था धारण करने के बाद भी आरंभ में लगते हैं मकान बनवाना, दुकान बनवाना, खेती करवाना, शादी करवाना, जो सांसारिक आरंभ है वो लगाना, नहीं तो आप यहाँ लगा दो मंदिर के लिए आशीर्वाद दे दिया, आदेश निर्देश मार दे दिया, ये भी आरंभ है, अब ये साधु नहीं बचे,
नहीं, आपको एक दिन बताया था ना कि हिंसा की परिभाषा है प्रमात्य योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का विपरोपण होना हिंसा है। और प्रमाद की 15 भेद हैं। कितने भेद हैं? 15 भेद हैं। कौन कौन से? बिखा तहा कषाया इंदी निद्दा तहेब पणुवे चदुचद पणमेगिगम हौंति पणमादाओ पंडरस। 4 बिखता हैं। अब प्रमाद के योग से प्राणों का विपरोपण को हिंसा का है, तो प्रमाद की 15 वेद हैं। अब उसमें बिकथा, 4 बिकथा है, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा। क्या ये कथा मंदिर में हो रही? हो रही नहीं होगी ना मंदिर बनने के बाद। यहाँ मंदिर में क्रोध मान माया लोभ कसाई की पुष्टि होगी। 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन किया जाएगा, यहाँ निद्रा शयन किया जाएगा नहीं, यहाँ सांसारिक स्नेह बढ़ाया जाएगा। ये 15 प्रमाद की भेद है। यदि ये प्रमाद की 15 भेद नहीं हो रहे हैं तब फिर हिंसा कैसी? ये लोग नहीं समझते। इसको अकलंग देव ने आप्तमी मनसा में खोला है कि जिनालय में होने वाली हिंसा हिंसा नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रमाद की पुष्टि नहीं है। अन्यथा इतने सारे आचार्य उपाध्याय साधु क्यों प्रेरणा देते? क्या सब एक तरफ से ख्याति मुझे लाभ के लिए कर रहे हैं? नहीं, तीर्थ की सेवा भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता का कारण है। लिख लो, तीर्थ की सेवा भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और पूर्णता का कारण है। तो ये तीर्थ है, इससे सम्यक दर्शन का ह्रास नहीं होने वाला है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति स्थिति आपने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी हो, उसमें आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने 6 अध्याय में 1:25 क्रियाओं में संयुक्त वर्धिनी नाम की क्रिया लिखी है। कौन सी क्रिया? संयुक्त वर्धिनी। वो कौन सी क्रिया है? देव शास गुरु के निमित्त से जो भी भक्ति पूजा इत्यादि की जाती है वो संयुक्त की वर्धन करने वाली क्रिया है। तो जिससे सम्यक दर्शन की वृद्धि हो उससे संसार की वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि सम्यक दर्शन तो संसार का ह्रास करता है, नाश करता है। ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना है, अन्यथा भ्रम हो सकता है। तो आरंभ से क्या लगाना? सांसारिक आरंभ लगाना। धन धन्य धन धान्य में जो गृहस्थ जिस तरह से लगा रहता है उसमें यदि साधु लगते हैं, उवियरणे उपकरण में यदि वो आकांक्षा मतलब कहना चाहिए आसक्ति रखते हैं, तो भी उनका वो धर्म की जिन धर्म की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि लोग कहेंगे कितना राग है इनको उपकरणों से। तो इस तरह का राग साधु को नहीं, जैसे श्रावक को होता, गृहस्थ को, असंयमी को होता है, वैसा साधु को अपने उपकरण इत्यादि से राग नहीं होना चाहिए। साधन है, उपकरण किसे कहते हैं? उपकरोतीति उपकरणम, जो आत्मा का उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। और ऐसी कोई सामग्री रख लें जिससे आत्मा को उल्टा आकुलता व्याकुलता होने लगे, मूर्छा हो जाए, परिग्रह संज्ञा को धारण कर ले, उसके निमित्त से कर्म का बंध होने लगे, उसके मैनेजमेंट में असंयम होने लगे, तो फिर वो उपकरण नहीं बचा, फिर वो अपकरण हो गया। अपकरोतीति अपकरणम, जो आत्मा का अपकार करे वो अपकरण है, जो आत्मा का उपकार करे वो उपकरण है। तो उपकरण रखते हैं साधु, उसमें भी आसक्ति नहीं रखते, अपकरण तो रखते ही नहीं। कंखिया साधु, तो उसकी आकांक्षा रखते हैं कि अच्छे से अच्छे मिले, और इतने अच्छे कि उसी राग हो जाए, संयम का ध्यान ही नहीं रहे, उसकी सुरक्षा करते रहे, उसके द्वारा संयम की सुरक्षा करनी चाहिए थी, तो वो संयम को भूल करके उसी सुरक्षा में लग जाए, तो ये निषेध किया गया। इससे प्रभाव ना हो सकते है। जिन धर्म की विराधना हो, जिन धर्म क्या है? रत्नात्रय है, और उसकी रत्नात्रय की विराधना होने लग जाए यदि उसके माध्यम से, तो वो उपकरण नहीं है, अपकरण है। वैगुणशील विहीना, ऊपर से साधु की मुद्रा है, भेष साधु का है, लेकिन जो साधु के अंदर व्रत गुण शील इत्यादि होने चाहिए वे यदि नहीं है, नहीं पालन करते, तो उनसे जिन धर्म की विराधना होगी। कषाय कलहप्य मोहरा, कषाय करते हैं जैसे अज्ञानी श्राप करते रहते हैं, बात बात पे गुस्सा है या अहंकार है या जिस किसी चीज को प्रेस्टीज पॉइंट बना ले, और यहाँ वहाँ के घुमाना फिराना मायाचारी है,
ऐसे लोभ आदि की पुष्टि में लग जाएं, एक यहाँ वहाँ भिड़ाने लग जाएं श्रावकों को एक दूसरे को, मुखर हो में बहुत ज़्यादा अनावश्यक बोलें जिसमें कोई सेंस नहीं है, सार नहीं है, न स्वयं का कल्याण है न सामने सुनने वाले का कल्याण है, तो इससे जिन धर्म की या नरत्नात्रय की विराधना होगी, स्वपर का अकल्याण होगा। संग विरोह कुशीला, संग कई विरोध करें, जिस संग में शिक्षित हुए दीक्षित हुए उसी की निंदा करने लग जाएं, उसी का विरोध करने लग जाएं, उसी से ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम होने लग जाए, तो इससे जिन शासन की विराधना होती है। कुशीली हो, अच्छा नेचर नहीं है, कुशील के दो अर्थ होते हैं, अच्छा स्वभाव नहीं होना और कुशील होना, ये दोनों ही से ही जिन शासन की विराधना होती है। स्वच्छंदा, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, कोई उनको भय नहीं है, जिनागम की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, जिन धर्म की अप्रभावना ना हो जाए, इसका डर नहीं है। रहिए गुरुकुल, और गुरुकुल में नहीं रहते, गुरुकुल मतलब गुरु की परंपरा में, मर्यादा में, और मूल हैं, स्वाध्याय वगैरह से कोई मतलब प्रयोजन नहीं रखते हैं, वे साधु का धारण कर लिया पर समझते कुछ नहीं है, तो इनसे धर्म की विराधना होती है। रायादि सेविया, राजा मंत्री विधायक इत्यादि इत्यादि को बुला करके, अरे हमारे पास तो सब दर्शन करने चले आते हैं, हमसे तो सब सलाह लेते रहते हैं, मार्गदर्शन लेने आते हैं, इस तरह की मान गसाई की पुष्टि के लिए बुलाना, राजाओं को उनसे संपर्क रखना, संबंध रखना इत्यादि में लगे रहना, उनकी सेवा में भाई आएंगे तो आपको उनका सम्मान करवाना पड़ेगा, प्रशंसा करनी करानी पड़ेगी, तो ये सब दोष के अंतर्गत आते हैं। लक्ष्य अभिप्राय अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि ये अभिप्राय है कि लोग ये जाने माने कि हाँ महाराज के पास तो सब रिजन राजा महाराजा नेता विधायक सब आते हैं, कलेक्टर प्रधानमंत्री इत्यादि सब मार्गदर्शन लेने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, विशिष्ट ज्ञानी हैं, विशिष्ट तपस्वी हैं, इनका आशीर्वाद फलता है इसलिए सब दौड़े दौड़े चले आते हैं, है ना, इनके मार्गदर्शन से ही सफलता मिलती इसलिए सब दौड़े दौड़े चले आते हैं। इस टाइप के अपने अहंकार की पुष्टि के लिए यदि बुलाया जाता है और फिर बुलाओगे और सम्मान करोगे और प्रशंसा करोगे तो सब दोष के अंतर्गत आने वाला है, और ये भी प्राय नहीं है तो बात अलग। ते जिन धम्म ब्राह्या साधु, इसलिए साधु का पद दूर है जैसे पेड़ खजूर, ऊपर चढ़े तो मिष्ट फल, गिरे तो चकना चोर, ऐसा है साधु का पद, ऊपर चढ़ता है अपने पद की गौरव गरिमा की रक्षा करते हुए साधना करता है तो स्वयं का और पर का सबका कल्याण होता है, और यदि पद के विरुद्ध काम करता है तो स्वयं का भी अकल्याण होता है और जिन शासन की प्रभाव न होने से अनेकों का अकल्याण हो जाता है। मुख्य रूप से साधु को 28 मूल गुण तो पालते ही हैं, पर झायण झणम ध्यान और अध्ययन की प्रमुखता होती है उनके जीवन में। जैसे श्रावक के लिए कहा जाता है ना कि व्यसन तो बहुत है, उसमें बुरे भी अनेक हैं और अच्छे भी अनेक हैं। व्यसन कहते हैं जिसके बिना चैन ना पड़े, रहा ना जाए, उसको बोलते व्यसन। तो ऐसी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन उनमें दो व्यसन प्रशंसनीय है। एक तो स्वाध्याय का व्यसन होना और गुरु और प्रभु भक्ति में लगना, सेवा में लगना, ये दो व्यसन प्रशंसनीय माने गए, सर्वोत्तम माने गए। कौन कौन सी? शास्त्र स्वाध्याय का व्यसन होना, इसको भी व्यसन संज्ञा दी गई है। एक दिन वहां श्लोक उठाया था सुबह सुबह, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था कि महात्माओं के अंदर कितने गुण स्वभाव से होते हैं। विपत्ति धैर्य माथा व्युदय क्षमा सदशी बाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाविरुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्धिमिदं हि महात्मनाम। जो महात्मा लोग होते हैं, महान आत्माएं होती हैं, उनके अंदर ये गुण स्वभाव से होते हैं। कौन कौन से? विपत्ति में धैर्य रखना एक गुण, विपत्ति धैर्य, क्योंकि धैर्य रखने से विपत्ति आदि हो जाती है,
और धैर्य खो देने से विपत्ति दूनी हो जाती है। इसलिए महात्मा लोग समझते हैं कि तावत भयात भेतव्यम यावत भय मनागतम आगतम तो भयम दृष्टा प्रहर्तव्य मसंकितम। भय से तब तक डरना चाहिए जब तक भय आया नहीं है, मतलब सावधान रहना चाहिए कि कोई घटना दुर्घटना ना घटे। लेकिन यदि भय आ ही जाए विपत्ति कोई, तो फिर प्रहर्तव्य मसंकितम, बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए। तो अभ्युदय क्षमा, यदि लौकिक संपत्ति धन इत्यादि बढ़ता है तब भी अभिमान नहीं आना, क्षमा भाव धारण करना, सहजता सरलता को नहीं छोड़ना, विनम्रता को नहीं छोड़ना, अभ्युदय क्षमा। दो लोग स्वर्ग में ऊंचा स्थान पाते हैं, एक तो धन नहीं होने पर भी दान करने वाला, और दूसरा सामर्थ होने पर भी क्षमा करने वाला। क्या कहा? दो लोग स्वर्ग में ऊंचा स्थान पाते हैं, एक वे जो धन नहीं होने पर भी दान करने वाले, और एक वो जो सामर्थ होने पर भी कोई बात नहीं क्षमा करने वाले। तो ये नीति है, नीति माने न्याय, न्याय यानी जजमेंट, जजमेंट मतलब न्यायपालिका जिसके बल पर पूरा संसार चल रहा है। जो है उसमें से ही देने वाला, खुद भोगोपभोग में कमी करके और दान में देता है वो बुद्धिमान है। तो विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सदस्य बाक पटुता, बोलने का अवसर आए तो बाक चातुरी हो, ये सहज लक्षण होता है गुणों में। वैसे लोग घर में यहाँ वहाँ कुछ भी बकते रहते, घंटों गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन सभा में माइक के सामने खड़ा कर दिया जाए तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। काला नांग है, ये बोलते ये काला नांग है, इसे दूर करो, ऐसे काले नांग से भी ज़्यादा डर लगता उनको, उससे नहीं डरेंगे काले नांग से जितना इससे डरते हैं। तो महात्माओं का एक गुण होता है कि सदस्य बाक पटुता, सभा में बाक चतुर्य होना, बोलना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है, जिसके बल पर सारी दुनिया को अपना बनाया जा सकता है, सारी दुनिया को मंत्र मुग्ध किया जा सकता है, और सारी दुनिया का कल्याण भी किया जा सकता है। तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि क्या है, ये बाक कला ही तो है, बाक चातुर्य ही तो है, इसके बल पर कितने जीवों का कल्याण कर देते हैं। इसलिए बंधु ये महात्माओं का, महान आत्माओं का गुण है सदस्य बाक पटुता। बाक पटुता तभी होगी जब अच्छी तरह से वो अध्ययन मनन करेगा और प्रकृति को भी पढ़ना सीख जाएगा। नहीं समझे? प्रकृति भी उपदेश देती है, ये सारी प्रकृति उपदेश देती है, पढ़ने की कला होनी चाहिए। कैसे उपदेश देती है? अरे कोई अलमीठा बोलती है वो उपदेश दे रही, मेरी जैसा बोलो, देखो ना मेरी वाणी सुनने के लिए लोग काम छोड़ करके आतुर है। कौवा उपदेश दे रहा है, मेरे जैसा मत बोलो, मैं जहाँ बैठता हूँ इन लोग पत्थर मारते हैं। नहीं, एक दूसरा उपदेश भी दे रहा है, जैसे उसको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है तो काम काम करके अपने साथियों को बुला के बांट के अतिथि संविभाग करके खाता है, ऐसे आप भी अतिथि संविभाग करो। नहीं, गाय उपदेश देती है, देखो ना रूखा सूखा घास फूस खा करके अमृत जैसा दूध देती है, दूध को ही अमृत कहता है, हैं? तो मिठाई रसगुल्ला खा करके भी नहीं कर पा रहे, वो घास फूस खा करके भी कितना उपकार चुका रहे। नारियल के वृक्ष में लगे ये नारियल डाब उपदेश देते हैं, देखो प्रारंभ अवस्था में माली ने पानी सींचा था,
उसने भले अनछना पानी सींचा था, सामान्य स्वाद वाला आसानी सींचा था, अब डाब में देख कितना मीठा पानी लेकर के खड़ा है प्रत्युपकार करने के लिए। मालिक ने पानी सींचा था तो हम भी बदले में पानी लिए खड़े हैं उसके लिए। सामान्य पानी सींचा था, हम दवाई के समान, दवाई है उसका पानी, दवाई का काम करता है, मीठा होता है, पानी लिए खड़ा है। प्रकृति उपदेश नहीं दे रही, हर प्राणी किसी से भी शिक्षा ले सकते हैं आप, वैसी पढ़ने की कला होनी चाहिए। लेकिन हमको तो कहीं उड़ दिखता ही नहीं है, कहाँ कहाँ ये सब रूखा रूखा नीरस नीरस जीरस है, यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा लगता, क्योंकि हमारी निगेटिव दृष्टि है, हमारे गुणग्रहण का भाव ही नहीं है। गुणग्रहण का भाव तो मेरी भावना में है, भगवान को पाठ करते समय गुणग्रहण का भाव रहे, निदृष्टि न दोषों पर जावे, वो मेरी भावना में है, हृदय की भावना में नहीं है। सदसी बाक्पटुता युधि विक्रमा, अन्याय को सहन नहीं करना। यदि आपके पास सामर्थ है, धन बल है, तन बल है, मनोबल है, वचन बल है, तो आप अन्याय को सहन मत करो। और बल नहीं है, खुद पटने की नौबत आ जाए तब फिर दूर रहो। ये कहते ना, कुवत कम और गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, आमद कम और खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। कुवत कम है और गुस्सा बहुत आती है तो पिटोगे, और आमद कम है और खर्चा ज्यादा करोगे तो मिटोगे। बिल्कुल। तो यदि आपके पास मनोबल, धनबल, वचनबल, तनबल है तो आप अन्याय को सहन मत करो। अन्याय को सहन करना भी अन्याय है। क्या बोला? अन्याय को सहन करना भी अन्याय है, लेकिन परिस्थिति मनस्थिति को आपको देखना होगा। ठीक है भैया, वो तो हमने सुना था प्रवचन में कि अन्याय नहीं सहन करना चाहिए, सो आप जाके भिड़ जाओ जहाँ कहीं, तो भिड़ जाओगे तो मिट जाओगे और पिट जाओगे। बिल्कुल। एक दिन बताया था ना कि ऐसी स्थिति में मान लो आप राइट साइड से जा रहे हैं, साइड में, राइट साइड में मतलब कौन से हाथ चल रहे हैं, बाएं हाथ साइड चल रहे हैं। अब उधर से कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, अब आप कहो हम तो राइट साइड चल रहे हैं, हम क्यों साइड देंगे उसको, हम क्यों किनारे में हैं, बाजू में हैं। नहीं, हो वो साढ़ आ रहा है, भिड़ो उससे, क्या होगा, ये सांप आ रहा है, हम तो राइट साइड चल रहे हैं, हम क्यों साइड दें उसे, भिड़ जाओ, क्या होगा बोलो। ऐसी स्थिति में आप भले राइट साइड चल रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। कई बार ऐसे लोग कहते हैं हमारी कोई गलती नहीं है, वो तो फलाने की गलती है। मान लिया कि फलाने की गलती है, लेकिन ये नीति लिख लो कि यदि अपने से ज्यादा कोई हिम्मत वाला है उस स्थान पर रास्ता छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। टकराहट से हर हाल में बचिए, टकराने पर दोनों की क्षति होती है। यहां से मारुति आ रही है, वहां से मारुति आ रही है, एक गलत चल रही है, एक सही चल रही है, भिड़ेंगे तो मिटेंगे दोनों। भले सही चल रहे हो आप, नहीं नहीं हम सही राइट साइड चल रहे हैं, हम कैसे मिटेंगे, टकरा के देखो, भिड़ के देखो क्या होता है। ये बुद्धिमानी नहीं है, वहां पर तो साइड दे देना ही बुद्धिमानी है, भले वो गलत है। जब ये कहा है जब तक सामर्थ्य ना हो तब तक शत्रु को हाथ जोड़ते रहो, ये नीति है, ये बुद्धिमानी है। नहीं, शत्रु हम क्यों हाथ जोड़ेंगे, तो नहीं जोड़ो, पर वो समय ही नहीं आ पाएगा, उसके पहले ही मिट जाओगे। ये न्याय नीति है, उसके अनुसार लेके चलना होता है। तो विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सभा में बाक्पटुता, सरदशी बाक्पटुता युधि विक्रमा, युद्ध में पारस,
यशस्वी चाभी रुचिर महात्माओं के एक लक्षण में ये भी बताया गया है कि उनकी यश में अभिरुचि होती है, पर दूसरे का नाम मिटा के अपना लिख दो, ये यश कमाने की विधि नहीं है। दूसरे की छोटी फोटो छाप के अपनी बड़ी छाप दो, ये यश कमाने की विधि नहीं है। यशस कीर्ति नाम कर्म अर्जित करो तो अपने आप यश फैलेगा, नहीं चाहते हुए भी लोग प्रशंसा करेंगे। यश में और कीर्ति में अंतर है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानते तो सब लोग हैं लेकिन उनकी प्रशंसा कोई नहीं करता। क्या आपने देखा होगा, जानते तो सब लोग हैं, वो फेमस है, मतलब वैसा फेमस है लेकिन प्रशंसा नहीं करता कि वो बहुत अच्छा आदमी है, भलाना आदमी है, नहीं कोई नहीं बोलता, बस जानते रहते हैं। उसको बोलते यस। और जिसकी प्रशंसा करें लोग जानने के साथ साथ, उसको बोलते ऐसा कीर्ति। कीर्तन करें, मुख से गुणगान करें, वह है ऐसा कीर्ति। तो वो उसके लिए परोपकार आप करेंगे, सदाचरण करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अपने आप यश होता है। मतलब यहाँ उद्देश्य है कि आप अच्छे काम करें, हर हालत में बुरे कामों से बचें। बुरे कामों से बचेंगे तो अपयस नहीं होगा। कोई ये कहने लगे होने दो ना अपयस, क्या होता है, अकीर्त्या तप्यते चेता तस्मात् कीर्तिम समर्जयेत। सागर धर्मामृत में पंडित दासदर जी लिखते हैं, अपयस से मन संतप्त होता है, दुखी होता है, उससे असात्मा वेदनी का बंद होता है, उससे दुर्गति होती है। तस्मात् कीर्तिम समर्जयेत, इसलिए कीर्ति का संपादन करना चाहिए। समझ रहे, इसका मतलब ये है कि आप कीर्ति कमाओ चाहे नहीं कमाओ, अकीर्ति नहीं होना चाहिए, अपयस नहीं होना चाहिए, बस वही कीर्ति कमाना है, यश कमाना है, गलत कामों से बचना ही यश कमाना है। यश से चा भी रुचिर व्यसनम श्रुतो। और महान आत्माओं के लक्षणों में एक लक्षण बताया है कि उनको अध्ययन का व्यसन होता है, स्वाध्याय का व्यसन होता है। यदि किसी के अंदर स्वाध्याय की रुचि नहीं है तो वो सज्जन नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, महात्मा नहीं है। इससे उल्टा है, क्या है आप लगा लीजिए, अब क्या है, नहीं जो सज्जन नहीं है वो कौन है, दुर्जन है। जो महात्मा नहीं है वो कौन है, दुरात्मा। तो सज्जनों के लक्षणों में ये एक लक्षण बताया गया है कि उनको अध्ययन करने का व्यसन होता है। व्यसन आपको बता दिया ना, जिसके बिना चैन ना पड़े, रहा ना जाए, उसको व्यसन बोलते हैं। तो उनको अध्ययन के बिना रहा नहीं जाता है, स्वाध्याय के बिना चैन नहीं पड़ती है। ये उन महात्माओं का लक्षण है, गुण है। तो ये आपके अंदर यशस्वी चावी रुचिर व्यसनम श्रुतो। तो प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम, ये स्वभाव से ये गुण होते हैं। नहीं हो तो अर्जन कर लें तो वे महात्मा बन जाए। दोनों बातें शास्त्रों में आई है कि या तो स्वभाव से ये चीज है, अच्छाई है, तो वो निकट भव्य है, अथवा इन चीजों को वो अर्जित कर ले तो निकट भव्य बन जाए। दोनों बातें, मान लो आप नहीं है निकट भव्य स्वभाव से तो बन सकते हैं पुरुषार्थ के बल पर, ऐसा शास्त्रों का उपदेश है। उसके लिए क्या करना है, हम आपको विधि बता देते हैं, कला बता देते हैं, आप लिखते जाइए। कब क्या करना है आपको, यदि उस विधि से आप प्रवृत्ति करेंगे निश्चित ही आपका इस लोक परलोक मंगलमय होगा। दिवसे नैव तत्कुर्यात् एन रात्रौ सुखं वसेत्। दिवसे नैव तत्कुर्यात् एन, हिंदी लिख लेना, नहीं लिख पाओ तो लिख रहे, लिखो दिवसे नैव तत्कुर्यात् एन रात्रौ सुखं वसेत्। अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखं वसेत्।
अष्टमासीन तत्कुर्यात इन वर्षा सुखम बसेत। पूर्वे वयसी तत्कुर्यात इन वृद्धा सुखम बसेत। पूर्वे वयसी तत्कुर्यात इन वृद्धा सुखम बसेत। यावत् जीवेन तत्कुर्यात इन मूत्र सुखम बसेत। यावत् जीवेन तत्कुर्यात ईना मूत्र सुखम बसेत। क्या मतलब? आप इतने जागरूक रहें, सजग रहें, सावधान रहें, दिन में ऐसा कोई काम ना बन जाए जिससे रात्रि की निद्रा भंग हो जाए, भाग जाए। जैसे हिंदी में क्या बोलते, हराम हो जाए, क्या बोलते, नींद हराम हो गई है। तो दिन में ऐसा कोई काम मत करो जिससे नींद रात्रि में निद्रा ना आए। ये एक सज्जन का, एक धर्मात्मा का, एक महात्मा का कर्तव्य है। वो दिन में प्रवृत्ति करे, लेकिन जिस प्रवृत्ति से पश्चाताप करना पड़े वो प्रवृत्ति से बचे। दिवसे नैव तत्कुर्यात एन रात्रौ सुखं बसेत्। अष्टमासीन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखं बसेत्। एक साल में 12 महीने हैं। 12 महीने होते हैं, उनमें से 8 महीने इस तरह से वो व्यापार सर्विस बिजनेस करे, खर्चा पानी करे कि 4 महीने बैठ करके एक जगह धर्म ध्यान कर सके। उसको बरसात में यहाँ वहाँ भाग दौड़ ना करना पड़े, धर्म ध्यान न छोड़ना पड़े, हिंसा संयम ना करना पड़े। 8 महीने इस तरह का व्यापार करो, खर्च करो कि वो बचा रहे पैसा, और 4 महीने बरसात में काम आए, एक जगह रह करके धर्म ध्यान कर सको। ये आपको मैनेजमेंट करना है, अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करना है, संयमित करना है, खान पान रहन सहन इस तरह का करना है कि 8 महीने का कमाया हुआ उस 8 महीने के काम भी आए, और बरसात के 4 महीने भी एक जगह रह करके आप धर्म ध्यान करो तो भी चल जाए। अष्टमासीन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत। और पूर्व वयसी तत्कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत। पूर्व अवस्था में, बाल अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में इस तरह का अपना जीवन बनाओ, खान पान रहन सहन करो, जिससे कि वृद्धावस्था में शांति से आप आत्म साधना कर सको, समाधि की तैयारी कर सको। ऐसा जीवन जियो। और यावत् जीवेन तत्कुर्यात इना मूत्र सुखम बसेत। पूरे जीवन इस तरह का पुरुषार्थ करो कि भविष्य, अनंत भविष्य सुखी हो जाए। ऐसी आचार्यों की आज्ञा है। इस तरह आपका जीवन सार्थक, धन्य धन्य, सफल, कृतकृत होगा। हैं, छोड़ गया। हाँ, पूरे जीवन ऐसा पुरुषार्थ करो कि अनंत भविष्य सुखी हो जाए। यावत् जीवेन तत्कुर्यात एना मूत्र सुखम बसेत। अमूत्र मन परलोक में, पर भाव में, भविष्य में सुखी हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। ये करना है। तो सारे व्यसनों में, अच्छे बुरे व्यसन तो बुरे होते ही हैं, अच्छे व्यसनों में भी दो व्यसनों को श्रेष्ठतम कहा है, इसे आप ना भूलें। पुनः हम रिवीजन कर रहे हैं। एक तो स्वाध्याय, दूसरा गुरु और प्रभु की सेवा, गुणगान कीर्तन, भक्ति व्यवृत्ति, ये प्रशंसनीय व्यसन माने गए। ये शीघ्र ही आपको गुरु और प्रभु बना देंगे। गुरु और प्रभु की सेवा से गुरु और प्रभु बनने में देर नहीं लगती है, इसलिए इनकी सेवा में पीछे न रहे। अन्यथा गुरु तो दूर रहे, आप सच्चे शिष्य भी नहीं बन पाओगे। यदि गुरु और प्रभु से दूर रहे तो गुरु और प्रभु बनना तो दूर, सच्चे शिष्य, विद्यार्थी, छात्र भी और भक्त और सम्यक दृष्टि भी नहीं बन पाओगे।
जब तक आपने पात्र की योग विनय नहीं की है, पूजा नहीं की है, शुद्धि नहीं बोली है, भक्ति नहीं की है, तो काय का पुण्य? तो ये प्राय लोगों को विवेक नहीं है, बस सीधे गए, ग्रास दिया और आगे बढ़ गए। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, शुद्धि बोलनी चाहिए, हाथ इत्यादि पैर इत्यादि धोने चाहिए, नमोस्तु बोलना चाहिए। जितनी नौ दो भक्ति हैं वो नौ ही भक्ति करोगे तो जैसा पुण्य साधु के आहार दान देने से मिलता है वैसा मिलेगा। ध्यान से सुनना, हम इसको कहाँ घटाने ले जा रहे हैं। तो दान देने मात्र से दाता नहीं, सम्मान पूर्वक दान देने से दाता कहलाता है, नवदा पूर्व भक्ति पूर्वक दान देने से दान का पुण्य मिलता है। केवल महाराज की अंजलि में ग्रास रख दिया इतने मात्र से, वो नवदा भक्ति से जो पुण्य मिलने वाला था वो ग्रास देने से नहीं मिलने वाला। दूसरा का है कि रण में विजय प्राप्त करने से कोई सूर नहीं होता है, योद्धा नहीं कहलाता है, विजय नहीं माना जाता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से सूर माना जाता है, विजय माना जाता है, योद्धा माना जाता है। अब आप जैसे सम्राट अशोक के बारे में नहीं सुनते, वो उत्तर भारत आया यूरोपीय रन कहाँ से, विदेश से, और बहुत सारा माल असबाब सब लूटपाट करके ले जाने लगा। अंत में उसे याद आया कि मेरी माँ ने कहा था कि कोई दिगंबर साधु को ले आना, अपने देश में दिगंबर साधु नहीं है, कर्मचारियों को भेज दिया, जाओ एक साधु को ले आओ। बरकर साधु के पास आए, महाराज ने कहा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं पैसे के पास नहीं, आपकी राजा को आवश्यकता है तो वो आए, हम क्यों राजा के पास जाए, नहीं गए। साधु किसी के बंधन में थोड़ी होते हैं। तो जब राजा आया और निवेदन किया कि गुरुदेव मेरी माँ को आपके दर्शन करना है, आपको तो पधारना होगा, हम आपकी सेवा शुश्रूषा में कमी नहीं रहेंगे इत्यादि, और जब साधु महाराज ने सिकंदर का हाथ देखा तो आयु तो समाप्त होने को थी। कहा आप हमको वहां तक नहीं ले जा पाओगे। तब सिकंदर कहता है मेरा कोई आधा राज ले ले पर मुझे नहीं बचा सकता है, तो कम से कम इतनी देर के लिए तो बचा ले कि मैं माँ तक के पास तक पहुंच जाऊं। राज वैद्यों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कोई एक सेकंड की आयु भी नहीं बढ़ा सकता पूरा राज्य के बदले में भी। तो जिसने दुनिया को जीता हो पर अपने आप को ना जीता हो वो विश्व विजेता बन नहीं सकता, वो दिग्विजेता हो सकता है, दिग्विजयी हो सकता है, पर वो इंद्रिय विजयी नहीं हो सकता। और वस्तुतः विजयी उसे ही माना है जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, बस में किया है। आप समझ लो आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरों पर अनुशासन करना सरल है लेकिन अपने आप के ऊपर अनुशासन करना कठिन है। इसलिए जैसे दान देने से दाता नहीं, सम्मान पूर्वक देने से दाता होता है, नवदा भक्ति पूर्वक देने से आहार दान कहलाता है, उसी प्रकार से रण में विजय करने से कोई विजयी नहीं होता है, इंद्रियों को जीतने वाला विजयी होता है। और मात्र अध्ययन करने वाला पंडित नहीं होता, अध्ययन करने से पंडित नहीं होता है, पंडित तो होता है आचरण करने से, या आचारवान सब पंडिता, जो आचरण वाला है वही विद्वान है, पंडित है,
तो केवल शास्त्र को ज्ञाता है वो पंडित नहीं है, क्योंकि आचारा परमो धर्मा, आचरण परम धर्म है, प्रथम धर्म है। पहलो आचारंग बखानो, द्वादश अंग में सबसे पहले आचारंग को रखा है। इसलिए मात्र अध्ययन करने से कोई पंडित नहीं होता है, जो पढ़ा है उसको जीवन में उतारने से पंडित होता है। और वस्तुतः जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके अंदर श्रद्धा है ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जो पढ़ा है, सुना है, समझा है, यदि उसको जीवन में उतारा है तो श्रद्धा है, अन्यथा केवल बाघ जाल है। क्या कहा? केवल बाघ जाल है। इसलिए अपने जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रद्धा की सच्ची कसौटी है कि जिस पर आपको श्रद्धा है उस पर उसको आपने जीवन में उतारा है। जो आपको प्राप्त करना है आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं, अन्यथा प्राप्त तो करना है मोक्ष और मार्ग पर चल रहे हैं संसार के नरक निगोद के, तो आपको मोक्ष की सच्ची श्रद्धा नहीं है। इसी प्रकार से बोलने मात्र से कोई वक्ता नहीं कहलाता है, बोलने मात्र से कोई वक्ता नहीं कहलाता। वक्ता तो वो है जो हित के मार्ग में लगाए। ये न्याय है, ये नीतियां हैं, ये महत्वपूर्ण ऋषि मुनियों के वाक्य हैं। आप बोलते हैं इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना कल्याणकारी बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है, या आप कितना परोपकार के लिए बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो बोलने मात्र से कोई वक्ता नहीं होता है, हित के मार्ग में लगाने से वक्ता होता है। इसी प्रकार से पिछी कमंडल या नग्न होने मात्र से कोई साधु नहीं होता है, साधु होता विषय कषाय के त्याग से, साधु होता है ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने से। यही कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, यदि ये चीज़ नहीं है तो वो मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी है और उन मार्ग में लगा हुआ है। गाथा 104 देख रहे हैं ना आप सभी, देखो पैक हो गई। हाँ, तो यहाँ कल बताया था कि गृहस्थ को मोक्ष क्यों नहीं होता है, क्योंकि गृहस्थ पांच चूना में लगा रहता है, चक्की, उखली, चूल्हा, बुहारू और परेंडा पानी, पानी खींचना, छानना, गर्म करना इत्यादि, चक्की, उखली, चूल्हा, बुहारू और पानी। परेंडा बोलते क्या बोलते हैं, ये पंच सुना करता है ग्रस, इसलिए वो मोक्ष प्राप्त नहीं करता। अर्थात आरंभ और परिग्रह के कामों में लगा हुआ प्राणी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ये ते साहु सम उन्मुक्ता, साधु वे सम्यक दर्शन से मुक्त हैं, रहे थे द्रव्यलिंगीय मिथ्या दृष्टि हैं संसारी है। अब आपको समझना है, तो आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहले जो हमने कहा कि वो चाहे साधु हो, श्रावक हो, सम्यक दृष्टि हो, यदि उसके अंदर करोड़ों गुणों में से भी श्रेष्ठ जो है औचित्य गुण, विवेक जिसका दूसरा नाम है, सही द्रव्य क्षेत्र काल का आकलन करना ही विवेक माना जाता है, वो यदि नहीं है तो वो मोक्ष मार्गी नहीं होता है। और धन ना हो, यदि कोई साधक वचनों के माध्यम से भी सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकता है तो वो विवेकी नहीं है। विवेक की परिभाषा क्या बताई? वचनों के द्वारा सामने वाले को संतुष्ट कर देना,
धन की आवश्यकता नहीं है, मतलब उनकी महिमा गाने वाला दूसरा नहीं है, इसलिए तो वो खुद ही गा रहे हैं। जो महान होते हैं उनकी महिमा दूसरे गाते हैं, और जो महान नहीं होता है वो स्वयं अपनी महिमा स्वयं गाता है, ऐसा है। इंद्र भी यदि क्यों ना हो स्वयं की प्रशंसा करता है तो तृण से भी लघु हो जाता है। क्या लिखा शास्त्रों में, इंद्र भी क्यों ना हो यदि स्वयं की स्वयं प्रशंसा करे तो वो तृण से भी लघु तुच्छ हो जाता है, हीन हो जाता है, इतना बड़ा दुर्गुण है ये। पर निंदा व्रत होना चाहिए, दूसरे व्रतों को धारण नहीं कर पा रहे, नहीं महाराज जी दवाई चलती है। बोलो इस व्रत को धारण करने में कौन सी दवाई बाधक है? पर निंदा व्रत मतलब पर की निंदा करना, ये हमारा व्रत है, नियम है, हम पर की निंदा नहीं करते। बोलो वृद्धावस्था बाधक है, बीमारी बाधक है, पर्याय बाधक है, क्या बाधक है? पर निंदा का व्रत आनंद आता। अच्छा अच्छा हाँ, ये जो आनंद है ना, उस आनंद को आचार्य कहते हैं कि जैसे कुत्ते को दूध मलाई खिलाओ, लेकिन इसके बाद भी जैसे उसके गले की चेन निकलती है और वो सीधा विष्टा के पास जाता है और उसमें आनंद मनाता है, पर की निंदा करना ऐसा ही है, कुत्ते की विष्टि चबाने खाने जैसा है। हाँ, पर की निंदा में खाज खुजाने जैसा आनंद आ रहा दाऊ को। सुनो, देखो जो शास्त्रों में लिखा है, समय हो गया है, लेकिन हाँ आज थोड़ा जल्दी छोड़ना था ना, है? तो मतलब उसको पृष्ठ मांस भक्षी का है, किसको? पर निंदा करने वाले को पृष्ठ मांस भक्षी का है, जैसे मच्छर पीछे से मांस खाता है ऐसे ही निंदा करने वाला पीछे से निंदा करता है, दोषों का बखान करता है। और यहाँ तक लिखा है नीतिकारों ने कि जैसे सुअर दूसरों का मल साफ करता है वैसे ही निंदा करने वाला दूसरों के मल को साफ करता है। क्या कहा? लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे की डट्टी पेशाब साफ करती ना, मलमूत्र हाथ से करती ना, निंदा करने वाला दूसरों की सफाई अपनी जिह्वा से करता है। हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में लिखा है ऐसा। माँ तो हाथ से ही बच्चे के मलमूत्र को साफ करती है, निंदा करने वाला अपनी जिह्वा से सामने वाले के मलमूत्र को साफ कर रहा है। पृष्ठमान शिवक्षी उसे अलग का, चुगलखोर का, चुगलखोर चुगली कर घर घर डंडा खाए, एक डंडा ऐसा लगे कि बहुदत्ता चिल्लाए। नहीं सुना बुंदेलखंड में? हाँ ऐसा है। तो आप सोच लीजिए, इतनी इतनी बड़ी उपमाएं जिसको दी हैं, तो आप अपनी जिह्वा को इस काम में लेंगे? बोलो, इसको सूअर की उपमा दी जा रही है, पृष्ठ मांस भक्षी की उपमा दी जा रही है, जिह्वा से मल साफ करने वाले की उपमा दी जा रही है, दूसरा तो नाली साफ कर रहा है झाड़ू से फावड़े से, आप किससे कर रहे बताइए? अब ऐसी सफाई करोगे तो उस मुंह से भगवान का पवित्र नाम ले पाओगे? बोलो, नहीं ले पाओगे ना। तो पवित्र नाम लेना है भगवान का तो मुख को भी पवित्र रखो। इतना ही आज सफन रखते हैं, फिर आगे की बात आगे करेंगे। हाँ, माया तैरग्य निश्चय, मायाचारी करता तो त्रिंचायु का बंद करता है। समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे करेंगे।